पत्नी ना नाम पर आज तुम स्पेशल अकाउंट खोला भी सको छो, दर महीने मळशे तमने 44,793 रूपया। नमस्कार, खबेशीर .com पर हूँ मीत, आप सबनु स्वागत करू छू। पत्नी ना नाम पर आज तुम स्पेशल अकाउंट खोला भी सको छो, दर महीने मळशे तमने 44,793 रूपया। हवे मैटर शू छे, ए कई पद्धति छे, कई रीते तमे आ मेळवी सको छो, एना विषे आज आपणे समझवानी कोशिश करीशुं। एनपीएस इन्वेस्टमेंट ए दर वर्षे 10% जे छे रिटर्न मळे छे। 60 वर्षनी उमरमां पत्नीना अकाउंटमां कुल 1.12 करोड़ रूपया, एटले के 1,12,00,000 रूपया जे छे आवी शके छे। एना माटे लगभग 45,00,000 रूपया जे छे ए तमने एमांथी मळी जशे, अने ए उपरांत दर महीने 45,000 रूपया जे छे एनी आसपास तमने पेन्शन मळशे। हवे जो तमे इच्छता हो कि तमारी पत्नी आत्मनिर्भर थाय, तमने कंईक थाय अने एनी परिस्थितिमां तमारी पत्नी जे छे सुरक्षित रहे, तो एमना माटे एक रेग्युलर इनकमनो इंतजाम जे छे तमारे करवुं ज जोईए। एना माटे नेशनल पेन्शन स्कीममां तमारे इन्वेस्ट करवुं जोईए। जो तमे तमारी पत्नीना नाम पर न्यू पेन्शन सिस्टम एनपीएस अकाउंट खोलो छो, एनपीएस अकाउंट तमारी पत्नीने 60 वर्षनी उमर पूरी थता एक साथे खासी एवी मोटी रकम आपशे, साथे दर महीने तमने ए पेन्शन रूपे पण एक अमाउंट जे छे तमारी पत्नीने पहोंचतुं करशे। तमारी वाइफ 60 वर्षनी उमर बाद पैसा माटे कोई पण व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहे, अने ए माटेनी स्कीम जे छे एना विषे आजे आपणे जाणवानी कोशिश करीशुं। न्यू पेन्शन सिस्टम जे छे एनपीएस, ए अकाउंटमां पोतानी सुविधा अनुसार दर महीने के वार्षिक पैसा जमा करावी शको छो। तमे फक्त 1,000 रूपियाथी पण पत्नीना नाम पर एनपीएस अकाउंट खोली शको छो। 60 वर्षनी उमरमां एनपीएस अकाउंट मेच्योर थई जाय छे, अने नवा नियमो मुजब तमे चाहो तो तमारी वाइफनी 65 वर्ष थया सुधी पण एनपीएस अकाउंट चलावी शको छो। 45,000 सुधीनी मासिक इनकम तमने मळी शके। उदाहरण तरीके समझो कि जो तमारी वाइफनी उमर 30 वर्ष छे अने तमे एनपीएस अकाउंटमां दर महीने 5,000 रूपियानो इन्वेस्ट करो छो, तो ए इन्वेस्टमेंट जे छे ए वार्षिक 10% रिटर्न मळशे, अने 60 वर्षनी उमरमां एमने अकाउंटमां कुल 1,12,00,000 रूपया जे छे ए जमा थशे, अने एमांथी 45,00,000 रूपया एमने त्यारे एक साथे मळी जशे 60 वर्ष पूरा थता ज। आ उपरांत दर महीने एमने 45,000 रूपियानी आसपास पेन्शन मळशे, अने सौथी वधारे खास वात ए छे कि आ पेन्शन एमने आजीवन मळतुं रहेशे। હવે કેટલી રકમ પર કેટલું મળશે, જો તમે એક ઉદાહરણ રૂપે સમજે, 30 વર્ષની ઉંમર છે તમારી પત્નીની, કુલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જે પીરિયડ છે એ 30 વર્ષ છે, મંથલી કોન્ટ્રીબ્યુશન તમારું 5,000 રૂપિયા છે, એના પર અનુમાનિત જે રિટર્ન છે એ 10% છે, કુલ પેન્શન ફંડ 1,11,98,471 રૂપિયા છે, મેચ્યોરિટી પર તમે એને કાઢી શકો છો, એન્યુટી પ્લાન જે છે એ ખરીદવા માટે 44,79,388 રૂપિયા છે, અનુમાનિત એન્યુટી રેટ 8% રેટે 67,19,083 રૂપિયા છે, મંથલી પેન્શન 44,793 રૂપિયા છે। હવે ફંડ મેનેજર જે છે એ અકાઉન્ટ મેનેજમેન્ટ જે છે એ કરતા હોય છે। એનપીએસ કેન્દ્ર સરકારની સોશિયલ સિક્યુરિટી સ્કીમ છે, અને આ સ્કીમમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો ત્યારે એનું મેનેજમેન્ટ જે છે પ્રોફેશનલ ફંડ મેનેજર કરતા હોય છે। કેન્દ્ર સરકાર આ પ્રોફેશનલ ફંડ મેનેજર્સને એમની જવાબદારી આપતી હોય છે, સો તમારા આ જે પ્રોફેશનલ ફંડ મેનેજર છે એની પાસેથી તમે વધારે માહિતી મેળવી શકશો। ફરીથી મળીશું આજે ખબર છે .com પર। થેન્ક યુ સો મચ।